हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं करने वाला हूँ कैमरा कंपैरिजन पोको X2 और LG GATX के बीच में। तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंट फ़ोन है। अभी पोको X2 एक मिड रेंज फ़ोन है, LG GATX एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और रिसेंटली फ्लिपकार्ट में LG GATX बस 20,000 रुपीज़ में अवेलेबल था, तो काफ़ी अच्छी डील थी। अभी हम इन दोनों फ़ोन्स के बीच में एक डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करेंगे और हम जानेंगे इन दोनों फ़ोन्स के कैमरा में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहली जो फोटो है ना, इसको मैंने कैप्चर किया था डेलाइट कंडीशन में। अभी जो सनलाइट था ना, वो डायरेक्टली सब्जेक्ट पर पड़ रहा था। तो इस वाले फोटो में मुझे पोको की इमेज ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर वगैरह काफ़ी बढ़िया आपको इस फोटो में देखने को मिलता है। इवन जो डिटेल्स है, कलर्स है, वो मुझे पोको की इमेज में ज़्यादा बेटर लगे। इसके बाद दोस्तों इस वाले फोटो में बात की जाए तो यहाँ पर दोनों मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगे। ज़्यादा कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं है, डिटेल्स भी इनफ है दोनों में, लेकिन यहाँ पर पोको की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प निकल कर आती है इन कंपेरिजन विद LG GATX। इसके बाद दोस्तों इस वाले फोटो के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है, लेकिन मुझे पर्सनली पोको की इमेज ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि ये थोड़ी सी शार्पर इमेज प्रोड्यूस करता है। बाकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। अभी दोस्तों इस वाले फोटो को मैंने डायनेमिक रेंज को टेस्ट करने के लिए कैप्चर किया था, तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों LG GATX ने काफ़ी अच्छे से एक्सपोजर को मेंटेन किया है, फोटो आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है LG G8X में। इस वाले फोटो को भी मैंने डायनेमिक रेंज को टेस्ट करने के लिए कैप्चर किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन यहाँ पर जो आसमान है और जो पत्तियां, पेड़ पौधे जो भी है ना, वहाँ पर आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद इस वाले फोटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से बैकग्राउंड को मेंटेन किया है, और इसके बाद इस वाले फोटो में भी दोनों में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो डायनेमिक रेंज के हिसाब से दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया है। अभी हम आते हैं कुछ ह्यूमन शॉट्स के ऊपर। तो ये जो भाई साहब है, इसकी फोटो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से फोटो को कैप्चर किया है, लेकिन मुझे पर्सनली पोको की इमेज ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बैकग्राउंड को पोको ने काफी अच्छे से एक्सपोज किया है कंपेयर टू LG G8X। इसके बाद दोस्तों अगर मैं पोर्ट्रेट मोड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में मुझे LG G8X थोड़ा सा बेटर लगा। वैसे बैकग्राउंड ब्लर दोनों में हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन LG G8X में जो ऐसे एज डिटेक्शन है ना, वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है कंपेयर टू पोको X2। इसके बाद यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में बात की जाए तो सेल्फी कैमरा में मुझे दोनों सिमिलर लगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद मैंने कुछ क्लोजअप शॉट्स भी कैप्चर किए थे, तो शाम के वक्त मैंने इसको कैप्चर किया था, तो यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। दोनों ही फोन्स क्लोजअप शॉट्स के मामले में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। अभी हम आते हैं कुछ इंडोर शॉट्स के ऊपर। तो दोनों में मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, दोनों में हमें इनफ डिटेल्स और यहाँ पर कलर्स भी हमें दोनों में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो इंडोर्स में दोनों ही फोन्स में हमें कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप ऐसे अंधेरे में फोटो को कैप्चर करते हो ना, तो यहाँ पर LG G8X क्लियरली विनर है, क्योंकि इस वाले फोटो को मैंने लगभग ऐसे 6:30 बजे जब ऐसे अंधेरा हो रहा था ना, तब मैंने इसको कैप्चर किया था। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है ना, वो LG G8X में काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं कंपेयर टू पोको X2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैमरा के बारे में बात की जाए तो ये 1080p 60fps वाली वीडियो है, तो यहाँ पर मुझे LG G8X का जो स्टेबिलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। इसके बाद ये जो 1080p 30fps वाली वीडियो है, यहाँ पर दोनों ने काफ़ी अच्छा EIS मेंटेन किया है, लेकिन मुझे पर्सनली LG G8X ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू पोको X2। और मैंने कुछ 4K वीडियोस को भी कैप्चर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो एडिटिंग डिवाइस है वो इतने बड़े साइज वाले वीडियोस को रेंडर नहीं कर सकता है। लेकिन आप LG G8X में 4K 30fps और 4K 60fps तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पोको में आपको 4K 30fps का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ऐसे स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है, लेकिन मुझे पर्सनली LG वीडियो ज़्यादा बेटर लगे। अभी अगर मैं बात करूँ अपने कंक्लूजन के बारे में, तो मुझे पर्सनली दोनों का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अभी फोटोज़ कैप्चर करने के मामले में दोनों ही आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो के मामले में मुझे LG G8X काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू पोको X2। तो आप भी दोस्तों अपने विचार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं ये पर खत्म करना चाहूँगा। अगर आपके वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।